आज दिन खास है और मौसम कुछ खास नहीं है। ये मैं हूँ, आज बारिश वाला मौसम है। बस स्कूल जा रही हूँ ये मिठाई लेकर। मैं बस चेक कर रही थी कैमरा में कि क्या मैं अच्छी बन रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं इतनी जल्दी रेडी हुई हूँ कि खुद को देखने का मौका ही नहीं मिला। जन्मदिन वाले दिन कुछ इस तरह ग्रीटिंग्स मिल रही थी जिस भी क्लास में मैं जा रही थी। उसके बाद मेरी टर्न थी कि मैं बच्चों को ट्रीट दूँ, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज बच्चों को, पूरे स्कूल को बनानास दूँगी। तो मैंने बनानास बाय किए पास के ही शॉप में स्कूल के, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किए वन बाय वन। और मेरा कुछ इस तरह का लुक था जन्मदिन के दिन। थैंक यू मैम जी, उनके लिए भी ले लो। थैंक यू मैम जी। ठीक है, क्लास में जाते ही बच्चों ने गिफ्ट्स की लाइन लगा ली थी और बच्चे आज पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने एक गेम खिलाई, सेम हैंड सेम लेग रनिंग चैलेंज, जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट गेम ये ट्रॉफी पासिंग चैलेंज गेम खेला, इसको भी बच्चों ने खूब एंजॉय किया। उसके मुँह में कुछ गर्ल्स ने मेरे लिए डांस परफॉर्मेंस भी रेडी किया था, तो उन्होंने डांस करके मुझे दिखाया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था और मैंने इंजॉय भी किया। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे बर्थडे वाले दिन। मुझसे एक महीना पहले ही पूछना स्टार्ट कर दिया था कि मैम आपका बर्थडे आ रहा है, सितंबर स्टार्ट होते ही उनको थोड़ा कंफ्यूजन था कि 17 को होता है या 19 को होता है। तो उन्होंने क्या किया, पिछला व्लॉग पर जाकर देख लिया कि कब होता है बर्थडे और इंस्टाग्राम के प्रीवियस पोस्ट से, और बस उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी बर्थडे की। और लास्ट में छुट्टी होने से पहले मैंने बच्चों को इस तरह चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की। और मुझे बहुत से गिफ्ट्स मिले हैं आज स्कूल में। ये मैं कुछ मिठाई ले गई थी, बस उसी का ये लिफाफा है, लिफाफा या पैकेट जो भी बोले, क्लोथिंग बैग। सो कुछ मैंने चॉकलेट भी आज डिस्ट्रीब्यूट की। सो स्टार्ट करते हैं। ये मुझे सिक्स क्लास से, मुझे अभी भी याद है कि मुझे सिक्स क्लास में किसी बच्चे ने दिया था, उसमें नाम तो मेंशन नहीं है। इस पर क्यूट सी चॉकलेट है। बहुत से बच्चे मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो पहचान जाएंगे अपना अपना गिफ्ट। और ये मुझे टेंथ क्लास में मिला था। मैं यही कहीं आसपास जो है वीडियो अटैच करूँगी। और इसमें बहुत सारी टॉफीज लगी हैं और इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे, और मेरे बारे में बस यही लिखा है, हैप्पी बर्थडे विश किया है उन्होंने। उसके बाद ये है, बहुत से बच्चों ने किया है तो इसमें बहुत से बच्चों के नाम भी हैं, तमन्ना, निधि, अंश, आयुष, रोशनी, शाहिद, मुस्ताक, जुनेद, प्रिंस, शौकत, मुमताज, इफरान, इमरान, इरशाद, उनको अच्छा लगेगा वैसे। क्लास कार्ड फॉर यू मैम, ये भी सिक्स के बच्चों का था जो मैंने अभी पढ़ा। और यू आर अ वेरी स्पेशल टू मी, ये किसी बच्चे का है और उन्होंने कुछ यहाँ मुझे दिया भी है। चलो मैं आपको ओपन करती हूँ। क्यूट क्यूट से हैं, इसमें छोटी छोटी से मुझे लग रहा है मैंने उन्होंने बच्चों ने टॉफियाँ ली हैं। हाँ, इसमें टॉफीज ही है और इसमें पता नहीं कुछ हाजमोला टाइप लग रहा है, इसको ओपन करती हूँ। हाँ, इसमें हाजमोला है, सीरियसली तो सच में ही हाजमोला है। कोई बात नहीं, मैं ये ज़रूर खाऊँगी। उसके बाद ये मुझे टेंथ क्लास से शायद किसी ने दिया था, आई डोंट रिमेंबर कि किसने दिया था। इसमें एक टॉफी भी है, हेल्प एंड लीवे, और मुझे हेल्प एंड लीवे बहुत पसंद है। और इसी में ये हेल्प एंड लीवे थी और इसमें मुझे लग रहा है कि चॉकलेट इन्होंने दिया, और हार्ट भी बनाया है और विद हार्ट बीट्स के साथ। और इधर कुछ लिखा भी है जी, हाँ, तेरी आवाज़ है मधुर, तेरी बालों का है काला झरना, खो जाऊँ मैं तेरी तरह हर तस्वीर में। वाह, बच्चों ने भी क्या क्या लिखा है। सूरज की पहली क्यूटनेस और बड़े नज़र न लगे, क्यूटनेस और बड़े नज़र न लगे कभी किसी की, इतनी सुरक्षित हमेशा तुम रहो। नाइस।
और ये आइडिया इसमें चॉकलेट डायरी मिल्क है, इसमें डायरी मिल्क चॉकलेट है। इसके बाद ये किसी ने दिया है, इसमें भी कुछ नाम नहीं है, हैप्पी बर्थडे नेहा मैम, और उन्होंने रेड पेन दिया है मुझे। ये भी सिक्स क्लास के किसी बच्चे ने दिया था मुझे, इतना ही ध्यान आ रहा है। वी विश यू अ हैप्पी एंड बेस्ट बर्थडे, इस तरह बच्चे ने लिखा है। थैंक यू, वही कार्ड है, हैप्पी बर्थडे मैम। और अंदर भी कुछ बड़ा सा मैसेज लिखा है बच्चों ने मेरे लिए, विश यू अ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मी गॉड ब्लेस यू विद हेल्दी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच नेहा मैम। उसके बाद हाँ, ये भी मुझे सिक्स क्लास में किसी बच्चे ने हमसे कह रही थी कि ये आपने अंडा सा बनाया, क्या ये मेरी शक्ल है? तो बच्चे हंस रहे थे, आपका दिन अच्छा, उन्होंने सिंपल सा लिखा है। थैंक यू सो मच नेहा मैम, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ये सारे सिक्स क्लास के बच्चों के हैं। और आज बच्चों की क्यूटनेस देखो, आज किसी एक और लड़की का बर्थडे था सिक्स क्लास में, तो बच्चों ने क्या किया है, जिसको पता नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, उन्होंने क्या किया, जो उनको बर्थडे में टॉफ़ी मिली थी वो उन्होंने मुझे कुछ इस तरह चिपका के दे दी है। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे नेहा मैम। ये सिंपल सा कार्ड है, और इस तरह किसी ने ये बटरफ्लाई सी भी बना के दी है, जैसे कि मेरी साड़ी से मैच हो रही है इस तरह से। थैंक यू सो मच, मतलब टाइम भी तो लगता है ना एक चीज़ों को बनाने में, करने में, और कोई हमारे बारे में इतना सोच रहा है, कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ सिंपल सा है ये कार्ड, इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा है, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे नेहा मैम, हैप्पी बर्थडे नेहा मैम। अंदर भी वी विश यू अ हैप्पी एंड जॉयफुल बर्थडे। और ये बड़ी सी मुझे चॉकलेट दी है, मैं उन बच्चों की जो है यहाँ साथ में जो है स्क्रीन में फ़ोटो लगा लूँगी। वो मुझे दो गर्ल्स ने दिए, नाइन्थ क्लास की बच्चों ने दिया, नाइन्थ क्लास को मैं टीच नहीं करती हूँ, तो उन्होंने मुझे दी है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद है लव यू मैम, हैप्पी बर्थडे मैम। ये तपस्या ने दिया है मुझे ये कार्ड, थैंक यू तपस्या। उसके बाद हैप्पी बर्थडे नेहा मैम, यू आर सो प्रीटी मैम, गॉड आपको हमेशा खुश रखे और लंबी उम्र दे, हैप्पी बर्थडे नेहा मैम, आप हमेशा खुश रहो, आई रियली लव यू मैम। ये दिया है मुझे अंजलि ने, थैंक यू अंजलि, सो स्वीट ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है, ये बच्चों की टेंथ क्लास की गर्ल्स ने बनाया है, ये महक का है कार्ड, हैप्पी बर्थडे नेहा मैम, थैंक यू। और अंदर लिखा है हैप्पी बर्थडे नेहा मैम, गॉड ब्लेस यू, सॉरी फॉर द लास्ट विश, एन्जॉय द डे। मुझे ये समझ नहीं आया फॉर द लास्ट विश, शायद उन्होंने, हाँ उन्होंने लास्ट में दिया है मुझे कार्ड, इस वजह से शायद वो सॉरी कह रहे हैं, इट्स ओके। वो पूरा दिन ही रहता है बर्थडे, तो आप एनी टाइम कभी विश कर सकते हैं। और ये मुझे सुंदर सी बटरफ्लाई बनाई है, थैंक यू सो मच। इन बच्चों की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, और ये हर कंपटीशन में जाते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर नेहा मैम, मैंने सुंदर सी बटरफ्लाईज बनाई है आगे, थैंक यू। और ये है शिवानी की तरफ से, ओके नाइस, हैप्पी बर्थडे टू माई बेस्ट एंड फेवरेट टीचर, मे योर बर्थडे बी फिल्ड विद जॉय लव एंड ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। इन्होंने रेड पेन दिया है मुझे, और एक जो है मुझे डायरी मिल्क भी दी है, और अंदर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर सो प्रीटी मैम, हैप्पी बर्थडे मैम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यू आर सो ब्यूटिफुल मैम, आई लव यू मैम, यू आर माई क्वीन मैम, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, आई एम सो लकी जो मुझे आप जैसे टीचर मिले, आई रियली लव यू मैम, थैंक यू सो मच शिवानी। उन्होंने एक और, इसके बाद मैं एक और टर्न करूँगी, फिर उन्होंने एक और चॉकलेट दिया, थैंक यू, इतना करने की जरूरत नहीं है बच्चे। You are not only my teacher but also a life coach because you teach me good manners besides academic lessons. Happy birthday dear ma'am. Happy birthday lovely ma'am. Love you. उसके बाद दोबारा टर्न करने पर, oh my god. Thank you.
थैंक यू फॉर बीइंग नॉट ओनली माय फेवरेट टीचर बट आल्सो माय मेंटोर एंड माय लाइफ कोच. थैंक यू सो मच. और ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मीन्स हैं, मतलब मेरे लिए, एक टीचर के लिए जब इस तरह से फीडबैक आता है, क्योंकि हर टीचर जो है अपना बेस्ट देता है इस प्रोफेशन में. दैट्स व्हाई, सॉरी फॉर द हॉर्न. आई उसके बाद एक और उन्होंने लास्ट में लिखा है, आई नो एवरी ईयर इन आवर स्कूल 100 ऑफ स्टूडेंट्स कम एंड गो, सो यू कैन नॉट रिमेंबर देम ऑल, बट टू बी ऑनेस्ट आई विल नेवर फॉरगेट यू एंड योर वैल्यूएबल लेसन इन माई लाइफ टाइम. थैंक यू सो मच. ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहते हैं स्टूडेंट. मुझे लास्ट जो स्कूल था मेरा, मुझे वहाँ के बच्चे भी अभी भी याद हैं. ये कम ज़रूर होता है कि नाम बहुत कम याद रहते हैं, लेकिन चेहरे ज़रूर याद रहते हैं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है. तो ऐसा नहीं समझे, मुझे आप हमेशा याद रहोगे. एंड थैंक यू सो मच. उसके बाद है नेक्स्ट कार्ड. ये नहीं मेंशन तो नहीं है, हैप्पी बर्थडे मैम, गॉड ब्लेस यू, यू आर द बेस्ट टीचर, माय फेवरेट टीचर, ऑल द बेस्ट, कुछ इस तरह लिखा है. नेक्स्ट, हैप्पी बर्थडे मैम, सो आई लाइक यू, यू आर सो ब्यूटीफुल मैम, गॉड ब्लेस यू, माय फेवरेट टीचर, वी लव यू वेरी मच. नेहा मैम, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट है ये कार्ड, हैप्पी बर्थडे मैम लिखा है उन्होंने और पूरा बंद किया है. क्या हो सकता है, मुझे थोड़ा गैस हो भी रहा था. इन्होंने बहुत क्यूट सा एक टेडी सा ये मुझे दिया है. थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे. ये मुझे कुछ हैंकरचीफ सा लग रहा है, उसने बनाया हुआ लग रहा है और खुद हैंडमेड. थैंक यू सो मच, बहुत क्यूट है और पिंक से कलर में, तब तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है. बस इन्होंने सिंपल सा अंदर लिखा है, मेड बाय मी, बट नेम मुझे पता नहीं है, पूछना पड़ेगा कल मुझे कि किसने लिखा है और किसने दिया है ये. नेक्स्ट कार्ड, इस तरह से उन्होंने कुछ पर्ल वर्क भी किया है. हैप्पी बर्थडे मैम, और ये है चाहत की तरफ से, ओह वेरी नाइस, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मैं इसे कुछ इस तरह ओपन कर रही हूँ और ये इसमें ये एक बुके सा निकल रहा है और वाह, मतलब वन ऑफ द बेस्ट. थैंक यू सो मच चाहत, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर टीचर, योर गाइडेंस एंड विजडम हैव मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ. थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग टीचर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द चॉकलेट एंड पेन. बहुत ज़्यादा पीटी है, मैं इसको इसी तरह यहाँ पर सजाऊंगी. और किसी बच्चे ने मुझे पेन दिया है, रेड पेन, थैंक यू सो मच. और ये किसी ने कुछ इस तरह रोल करके दिया मुझे, हैप्पी बर्थडे, मे बी इसके अंदर कुछ लिखा हो, सीनरी सी बना के दी है. सो स्वीट, हैप्पी बर्थडे मैम, दिल तू आज तू दर्द दी दवा दू, जब तक मैं जीना मेरी जींद दी वजह तू. देखो बच्चों के हाल देखो, शरारती सॉन्ग लिख रहे हैं टीचर के लिए. ये भी एक पेंटिंग है, ये कुछ इस तरह से है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर बनाई है. कल पूछना पड़ेगा मुझे जाकर कि किस किस ने बनाया है, किस किस के काम है ये. नेक्स्ट, दोबारा एक पेन दिया है किसी ने और एक और रेड पेन और बहुत सारी चॉकलेट्स हैं. वो आज तो मुझे बहुत चॉकलेट हो गई है. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जितना थैंक यू करूँ उतना कम है. स्पेशल दिन बना लिया है बच्चों ने मेरा आज, और कुछ बच्चों ने मुझे इस तरह से हार्ट्स भी बना के दिए हैं ये, थैंक यू सो मच. और इस तरह से छोटी छोटी सी ड्राइंग बनाई है और मुझे दी है, क्यूट क्यूट सी. एक मैं ये दिखाती हूँ और एक ये पांडा सा दिया है मुझे और ये पिग भी बनाया है, अब वेरी नाइस, ये सोता हुआ पिग भी बनाया है. ऑफ कोर्स ये मैं ही होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ. ये हाँ बताओ ये क्या हो सकता है. सो ये सभी आज मुझे गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं और थैंक यू सो मच दिल से. मैं तो क्लास में वैसे बच्चों को बोलते बोलते ही इमोशनल हो गई थी और मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं रो ना जाऊँ, क्योंकि होता ही है जब आप इस एज तक पहुंचते हैं तो आपको बहुत सी यादें आती हैं कि आप पेरेंट्स के साथ भी थे एक टाइम में और अब आप उनसे दूर हो और
ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए हो। हम इतनी जल्दी जल्दी बड़े क्यों हो जाते हैं मुझे ये समझ नहीं आता है। हम लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, ये गर्ल्स के लिए बहुत बुरी चीज़ है लाइफ टाइम। और ये गिफ्ट मुझे बर्थडे वाले दिन रिसीव हुए अपने फ्रेंड की तरफ से। और ये जो फ़ोटो फ्रेम अभी दिखाई मैंने आपको, ये भी मुझे एक स्कूल में बच्चे ने दी थी और ये फ्रेंड ने मुझे केक भेजा था, थैंक यू सो मच। जो ये टूट ही नहीं रहा था क्योंकि डिलीवरी बॉय ने जो है मुझे वो हथौड़ा सा नहीं दिया था बल्कि ये मुझे सीज़र से दे दी थी लकड़ी से। कैसे टूटता केक, तो बड़ी मशक्क़त के बाद ये केक टूटा था मुझसे। बस ये था आज के दिन कुछ खास लम्हे मेरे लिए और लाइफ टाइम मेमोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।